टाटा ने सबसे पहले टाटा नैनो को मार्केट में लॉन्च किया था, पर वह ज़्यादा नहीं चल पाया था और पूरी तरीके से फेल हो गया था। लेकिन अब की बार टाटा ने बनाया एक इलेक्ट्रिक वर्जन। जो कि देखना होगा यह इंडिया के अंदर कितना धमाल मचा पाएगी, या चल पाएगी, या वैसे की वैसे फेल हो जाएगी जैसे टाटा नैनो फेल हो गई थी। आज के वीडियो में जानेंगे इस कार के बारे में, इसकी क्या प्राइस रहेगी, एक बार फुल चार्ज होने पे कितना किलोमीटर तक का सफर तय करेगी, चार्जिंग टाइम क्या रहेगा, टॉप स्पीड क्या रहेगी, इसमें आपको बैटरी टाइप यानी कि बैटरी कौन सी देखने के लिए मिलेगी, और इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगी, और यह इलेक्ट्रिक कार आप तक कब तक पहुँच पाएगी, सारी बातों की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कलेक्ट की गई है। आप यह वीडियो कम्प्लीट देख लेना, जिससे टाटा नैनो इलेक्ट्रिक कार के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए राज व्हीकल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात की जाए डिजाइन के बारे में, तो टाटा की नैनो से ही मिलता जुलता है थोड़ा हटके इसका डिजाइन बनाया गया है। टॉप स्पीड की बात की जाए, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड रखी गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। रेंज की बात की जाए, यह इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पे 160 किलोमीटर से लगा के 200 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। वाकई में कह सकते हैं कि यह कार इंडिया के अंदर धमाल मचाने से रुकने वाली नहीं है। बैटरी की बात की जाए, इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी देखने के लिए मिलेगी। इस बैटरी को आप बाहर निकाल के भी चार्जिंग कर पाएंगे। चार्जिंग टाइम की बात की जाए, 2 आवर्स से लगा के 3 आवर्स के अंदर यह इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज भी हो जाएगी। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए, इसको 4 सीटर बनाए गए हैं। अब बात की जाए इसके इंटीरियर के बारे में, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा एसी, हीटर, म्यूजिक सिस्टम, 7 इंच का टच स्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऐसे ही कई अनगिनत फीचर इसमें लगाए गए हैं, या कहें अंदर से यह कार लग्जरी कार का मजा देती है। और यह इलेक्ट्रिक कार अभी सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए प्रयोग की जाएगी। ओला ट्रेवल ने इस कार के 400 कार के ऑर्डर दिए हैं, जिसे वह सबसे पहले हैदराबाद में चलाएगी, या कहें हैदराबाद वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद यह कार हम सभी के लिए बनाई जाएगी, तो आने वाले दिनों में टाटा नैनो इलेक्ट्रिक कार हम सभी तक पहुँच जाएगी। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। टाटा नैनो इलेक्ट्रिक कार की प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपके ऊपर रखता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक कार की कितनी प्राइस होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि टाटा नैनो इलेक्ट्रिक कार के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो पसंद आने पे एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए।